Students and welcome in our new class, and today we are going to start a new chapter, that is The Silk Road, written by Nick Middleton. Silk Road Nick Middleton के द्वारा लिखा गया chapter है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे एक यात्रा का. यहाँ पर Nick Middleton अपनी मानसरोवर की यात्रा, माउंट कैलाश की यात्रा का वर्णन कर रहा है, और उसी को इसने यहाँ पर एक चैप्टर के रूप में हमारे सामने दिया गया है. इसमें निक मिडलटन जो है, जब अपनी यात्रा करते हैं तो उस दौरान वो किन परेशानियों का सामना करते हैं, यात्रा के दौरान किन लोगों के संपर्क में आते हैं, वही सारा वर्णन इसमें किया गया है. बात रही सिल्क रोड की, तो इसका भी अपना एक नाम का अपना एक इतिहास है. इसका नाम सिल्क रोड ही क्यों लिखा गया, क्योंकि माउंट कैलाश की तरफ जो जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते का नाम ही सिल्क रोड है. और ये क्यों रखा गया है इसका नाम सिल्क रोड, क्योंकि पहले के समय में भारत और चाइना के बीच में सर्वाधिक व्यापार रेशम का होता था, और वो रेशम का व्यापार तिब्बत मानसरोवर से होकर के भारत के अंदर वो रास्ता आता था, इसी रूट पे होता था, और इसी रूट पे होने के कारण इसका नाम सिल्क रोड रख दिया गया, जो आज भी कायम है. हालांकि व्यापार यहाँ से अब इतना नहीं होता, बंद हो गया है, परंतु इसका नाम आज भी सिल्क रोड ही रखा है. और आज भी जब कभी भी मानसरोवर की यात्रा की जाती है, भारतीय बहुत ज़्यादा मानसरोवर की यात्रा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान भोले यानी कि शिव का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं, और वो इसी रास्ते से ही होकर के जाते हैं. तो ये जो चैप्टर है, ये हमारे पास में एक वर्णन है, किसका, एक यात्रा का. तो चलो स्टार्ट करते हैं, और हम भी इसके साथ साथ में ही यात्रा करते हैं. ए फ्लोलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग. ए फ्लोलेस, फ्लोलेस मतलब बिना रुके हुए, निर्बाध गति से आगे बढ़ता हुआ हाफ मून, आधा चंद्रमा फ्लोटेड तैर रहा था इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई, एक बहुत ही शानदार एक नीले आसमान के अंदर. कोई बादल नहीं थे, बिल्कुल नीला आसमान था, और उसके अंदर आधा चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था. कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि रुकावट से मतलब वैसे भी रुकावट नहीं होती, पर कई बार क्या है कि बादल जब सामने आ जाते हैं तो वो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था. On the morning we said ours goodbye. और उसके बाद में सुबह के समय हमने, जब हमारे जो मित्र थे उनको हमने goodbye कहा, जो हमें वहाँ पर छोड़ने के लिए हमारे साथ में थे, हमने उनको goodbye कहकर के हम अब आगे बढ़ गए. Extended banks of cloud live long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain top with a rose tinted blush. वहाँ के अब वातावरण का, वहाँ की सीनरी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है. इसने कहा एक्सटेंडेड बैंक्स, दूर दूर तक फैले हुए किनारे. आप देख, आपको पता ही होता है कि पहाड़ी एरिया होता है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ जो है वो वहां पर होते हैं. तो उन पहाड़ों की बात की जा रही है कि वो पहाड़ जो है वो दूर दूर तक, ये जो फैलाव है इसको एक्सटेंडेड कहा जाता है. दूर दूर तक फैले हुए जो पहाड़ हैं, ठीक है, वो है वहां पर. और उसके अलावा यहां पर कवि जो, लेखक जो बात कर रहा है, वो बात किसकी कर रहा है, अब यहां पर लेखक बात कर रहा है बादलों की, कि ये जो यहां बादल हैं, इस प्रकार से जो बादल है वहां पर वो दूर दूर तक फैले हुए थे. बादल जो है वो वहां पर है, और ये जो बादल हैं इनके अंदर से लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, अब ये बादल इतने बड़े हैं कि ये इस प्रकार से नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से फ्रेंच लोव्स हो, ये ब्रेड टाइप में, एक ब्रेड तो क्या है, चौकोर होती है, एक आपने कई बार देखा होगा कि एक रोटी बनती है जो इस प्रकार से आकृति की होती है, इसी आकृति की होती है, यूं इस तरह से इस आकृति की रोटी बनती है, उनको फ्रेंच लोव्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी. और अब यहाँ पर वो बता रहा है कि ये जो बादल हैं, इन बादलों की आकृति जो है वो किसके समान थी, वो फ्रेंच लोव्स के समान थी, ठीक है, और उसी को यहाँ पर फ्रेंच लोव्स कहा गया है. तो उसने कहा कि ये फ्रेंच लोव के समान अब ये चमकती हुई आकृतियाँ, जो बादल थे पिंक, जो गुलाबी रूप में चमक रहे थे. क्यों गुलाबी में चमक रहे थे, क्योंकि देखो मान लो जैसे ही एक सूर्य निकलता है,
जो सन है वो निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है वो क्या होती है, सुबह के समय एक गुलाबी सा कलर लिए हुए होती है। और जब ये गुलाबी कलर जो है, ये रोशनी जो इसकी किरणें हैं वो इन बादलों के ऊपर गिरती हैं, तो ये बादलों का कलर भी जो है वो क्या हो जाता है, पिंक सा हो जाता है। तो इसीलिए इसने कहा, दोबारा देखते हैं, एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स, ये दूर दूर तक फैले हुए किनारे किसके, बादलों के, लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, ये किसके समान नजर आ रहे हैं, लंबे फ्रेंच लोव्स के समान नजर आ रहे हैं, ग्लोड पिंक, और जो चमक रहे हैं गुलाबी रंग के अंदर, एज द सन इमर्ज्ड, जैसे ही सूर्य निकलता है, टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन्स, और वो फैला देता है दूर दूर तक फैले हुए जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन टॉप, उन पहाड़ों की चोटियों के ऊपर, ए रोज टिंटेड ब्लस, ए रोज गुलाब के समान रंगा हुआ, टिंटेड मतलब रंग, कलर की रोज टिंटेड, एक गुलाब के समान लाल रंग जो है वो उसने वहां पर फैला दिया। क्योंकि जब देखते हैं कि जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई होती है, और सूरज की किरणें जैसे ही पहाड़ों की चोटियों के ऊपर आकर के गिरती हैं, तो ये कलर भी जो है वो क्या हो जाता है, लाल सा दिखाई देता है। क्लियर है? नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, रावू इज ए प्लेस। अब उसने कहा कि ठीक है, अब हम जो रावू है उसको अब हम छोड़ करके जा रहे थे। लहामो सेड सी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, कि लहामो एक लड़की है वहां पर, सी सेड, उसने कहा कि सी वॉन्टेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, वो मुझे एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी। फेयरवेल मतलब विदाई के समय एक उपहार, क्योंकि हम अब उसको छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे थे, तो वो उस विदाई के समय हमें एक उपहार देना चाहती थी। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल, क्योंकि एक शाम को मैंने डैनियल के माध्यम से उसे कहा था, दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कम्प्लीट द कोरा, क्योंकि मैं आगे माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत की तरफ मैं आगे अब बढ़ रहा हूँ, टू कम्प्लीट द कोरा, कोरा को पूरा करने के लिए। कोरा क्या होता है? कोरा उस सर्किल को बोलते हैं जो माउंट कैलाश के चारों तरफ चक्कर, माउंट कैलाश तक पहुंचने के लिए वो पूरा राउंड लेकर के वहां पहुंचना पड़ता है, पहाड़ को पूरा घुमा करके पार करके वहां पहुंचना पड़ता है, तो उसको कोरा कहा जाता है उस रास्ते को, उस राउंड को। ठीक है, तो उस राउंड को, जैसे परिक्रमा होती है ना, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है, ठीक है, 84 कोस की परिक्रमा, इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसको कोरा कहा जाता है। तो उसने कहा कि उस कोरा को कंप्लीट करने के लिए मैं आगे जो है वो जा रहा हूँ माउंट कैलाश की तरफ, एंड सी हैड सेड दैट आई ओट टू गेट सम वार्म क्लोथ्स, तब उसने मुझे कहा था कि मुझे अवश्य ही अपने साथ में कुछ गर्म कपड़े ले जाने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, डकिंग बैक इनटू हर टेंट, अब क्या मतलब होता है उसको समझ लीजिए, डकिंग बैक, अब जैसे मान लो ये एक टेंट लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर रहने के लिए, अब ये यहाँ पर इनके, क्योंकि वो टेंट जो है वो ज़्यादातर गोलाकार के होते हैं, इस प्रकार की आकृति के टेंट जो है वो ज़्यादातर होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि जो ये अंदर जाने का जो गेट होता है, रास्ता होता है, ये बहुत छोटा होता है, तो उसके जब अंदर घुसने के लिए झुकना पड़ता है, डक, डक का मतलब होता है झुकना, तो वो झुक करके अंदर गई और फिर वापस से झुक करके ही बाहर निकली, डकिंग बैक, झुक करके बाहर निकलना, तो वो डकिंग करते हुए झुक करके वो बाहर निकली, एंड टू हर टेंट, अपने टेंट के अंदर जाकर के बाहर आई, और जब सी इमर्ज, जब वो बाहर निकल करके आई, कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन, तो वो अपने साथ में लिए हुई थी एक लॉन्ग, एक लंबी आस्तीन वाला लॉन्ग स्लीव्ड, लॉन्ग स्लीव्ड मतलब लंबी आस्तीन, लंबी आस्तीन वाला एक कोट जो है वो उसके हाथ में था, शिप स्किन कोट, एक भेड़ की खाल से बना हुआ कोट उसके हाथ में था, दैट ऑल द मैन वोर, जो वहां पर सभी व्यक्ति आदमी जो है वो पहनते थे। टिस्टन सीज्ड मी, अब टिस्टन ने मुझे एकदम से क्या है कि सीज्ड मी अप, उसने मुझे पकड़ लिया, एज वी क्लाइंबर्ड इनटू हिज कार, जैसे ही हम उसकी गाड़ी में चढ़ने वाले थे, क्लाइंबर मतलब चढ़ना, आह यस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोकबा सर, उसने कहा हाँ यस बहुत बढ़िया, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की और कहा ड्रोकबा सर, ड्रोकबा वहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा जाता है जो इस प्रकार से कपड़े पहनते, उसने कहा हाँ आप भी ड्रोकबा के समान नजर आ रहे हो। We took a shortcut to get off the Chang Tang. अब उसके बाद में हमने क्या किया, Chang Tang यानी कि माउंट कैलाश की तरफ जाने के लिए एक शॉर्टकट जो है वो उन्होंने लिया, और Chang Tang एक जगह है जहाँ से होकर के वो जाया जा सकता था। मान लो अब उनको क्या करना है, ये एक कैलाश पर्वत है,
अब इस कैलाश पर्वत में जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा घूम करके जाना पड़ता था, तो वो मान लो यहाँ पर हैं, तो उन्होंने क्या किया, शॉर्टकट लिया और चेंगटेंग नामक एक जगह है, उस जगह से होते हुए वो माउंट कैलाश की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने शॉर्टकट लिया और इट इज द न्यू रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। जो टीटन है वो जानता था एक रूट, एक रास्ते के बारे में, दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो हमें क्या है, साउथ वेस्ट की तरफ लेकर के जाता। साउथ वेस्ट कौन सी जगह होती है, देखो ये होते हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ, ये इनके बीच का, ठीक है, कि वो जो साउथ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट, इस साउथ वेस्ट की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, और इसी वजह से वो क्या है, हमें लेकर के जो है वो आगे बढ़ा इस रास्ते से ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, जो लगभग सीधा डायरेक्टली कहाँ था, माउंट कैलाश की तरफ था। ठीक है, वो माउंट कैलाश की तरफ था, एंड इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन। और जब हम यहाँ से यहाँ पहुँच रहे थे तो इसके अंदर हमारे इस रूट में शामिल थे बहुत ही ऊंचे ऊंचे बहुत सारे पहाड़ जो है वो उसके अंदर शामिल थे, जिन्हें पार करते हुए हमें आगे बढ़ना था। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, कोई समस्या नहीं है श्रीमान जी, क्योंकि वो ड्राइवर था वहाँ पे टिस्टन, ही एश्योर्ड अस, उसने हमें विश्वास दिलाया, इफ देयर इज नो स्नो, अगर कोई भी बर्फ वहाँ पर नहीं होगी तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। वी was the likelihood of that I asked, मैंने पूछा, what was the likelihood, क्या संभावना है, likelihood मतलब संभावना, मैंने पूछा भाई क्या संभावना है वहां पे बर्फ होने की और ना होने की, हो सकता है कि वहां पे बर्फ हो सकता है वहां पे बर्फ ना हो, तो मुझे बताओ संभावना क्या है बर्फ के होने की और ना होने की। ठीक है, तो not knowing sir, उसने मुझे जवाब दिया, नहीं श्रीमान जी मैं नहीं जानता, until we get there, जब तक कि हम वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या संभावना है और क्या नहीं है। From the gently rolling hills of Rau, उसके बाद में वो gently हल्की हल्की घुमावदार जो रास्ते थे, वो पहाड़ियाँ जो थी हल्की हल्की घुमावदार जो पहाड़ियाँ थी रावू की, वहाँ से अब हम आगे बढ़े, द शॉर्टकट टुक्स अस अक्रॉस वास्ट ओपन, उसके बाद में जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को पार करते हुए, रावू की वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को पार करते हुए अब हम कहाँ पर पहुँच गए, मान लो जैसे ये रावू है, इस रावू से हमने निकले, तो रावू से जब निकले तो वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों को हमने पार किया, और पार करने के वास्ट प्लेन, एक बहुत बड़ा मैदानी जो क्षेत्र है वहां पर हम आ गए, अब एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र जो है उसमें हम वहां पर आ गए। ठीक है, और विद नथिंग इन देम, और वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय ए फ्यू गेजल्स, वहां पे कुछ गेजल्स थे, गेजल्स मतलब हिरणों को कहा जाता है, डियो हिरण, तो वहां पे कुछ गेजल्स थे दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर, और जो क्या कर रहे थे, चर रहे थे, घास खा रहे थे, एरिड पास्चर, दूर दूर तक फैले हुए जो चारागाह हैं वहाँ चारागाहों से वो घास खा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, ठीक है, एंड फ्रॉन, और उन्हें बहुत वो नाराज़ हुए, उन्हें गुस्सा आया, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, इससे पहले कि वो भाग करके दूर हमसे चले जाते, फर्दर ऑन हम आगे बढ़ते चले गए, हमने इन चारागाहों को पार कर लिया, अब हम आगे बढ़े, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी, अब वहाँ पर ये जो प्लेन था अब वो धीरे धीरे स्टोनी होने लगा, अब वहाँ पर पथरीली जगह आने लगी, अब वहाँ पर घास जो है वो कम था, पहले घास के मैदान थे, यहाँ पर स्टोनी जो एरिया है, अब वो स्टोनी एरिया आ गया जिसे अभी हमें पार करके आगे बढ़ना था, अब हम इस स्टोनी एरिया को हम पार करते हुए अब आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। मोर स्टोनी देन ग्रासी, वो क्या हो गया, ज़्यादा स्टोनी हो गया, देन ग्रासी, बजाय किसके, घास के मैदानों के, एंड ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और तभी हमने क्या देखा, ए ग्रेट हर्ड, एक बहुत बड़ा झुंड, किसका, वाइल्ड एस, जंगली गधों का, एस मीन्स डंकीज, कि जंगली गधे जो हैं उनका एक बहुत बड़ा झुंड हमें दिखाई दिया, केम इन टू व्यू, हमारे सामने आया, टिस्टन टोल्ड अस, टिस्टन ने हमें बताया, वी वर अप्रोचिंग देम, हम उनके पास में पहुंच रहे हैं, लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, काफ़ी देरी के बाद में जो हमें दिखाई देने, कि दिखाई तो हमें अभी से देने लगे पर हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें थोड़ा समय लगेगा। क्यांग ही सेट, उसने इशारा किया, देखो क्यांग, क्यांग मतलब धूल का गुब्बार,
pointing towards a far off pall of dust, उसने इशारा करते हुए कहा दूर, a pall of dust, एक धूल के गुब्बार की तरफ, जैसे मैंने कहा ना क्यांग किसको कहते हैं, धूल के गुब्बारे को कहा जाता है। उसने कहा देखो वो धूल का गुब्बारा, उसकी तरफ उसने, यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा धूल जो है वो उड़ी हुई थी वहां पर, उसकी तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, when we drew nearer, उसके बाद में जैसे ही हम उसके नजदीक पहुंचे, I could see the herd galloping and massy, कि जैसे ही हम वहां उस झुंड के नजदीक पहुंचे, मैं देख सकता था कि जो झुंड है वो क्या कर रहा था, गैलोपिंग, वो क्या कर रहा था वहां पे, वो जो है गधे जो है वो उछल रहे थे वहां पे, एकदम से जिस प्रकार से घोड़ा गैलोप करता ना कुलाचे भरना, ठीक है उस प्रकार से वो कर रहे थे, एंड मैसे, और काफी ज्यादा जो है वो आपस में बहुत साथ में जुड़ करके वो आगे बढ़ रहे थे, एक साथ चिपके हुए से नजर आ रहे थे, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, वो गोल गोल चक्कर में घूम रहे थे इन टाइट फॉर्मेशन, एज दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स, यूं लग रहा था कि जैसे वो मैन्यूवर्स के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, जो उन्हें पहले से ही कोई कार्य दिया गया हो उसका पूरा करने के लिए। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इन टू द क्रिस्प, वहां पर जो धूल है जो उनके पावों से उठ रही थी, उनके खुरों से उठ रही थी, वो वहां पर चारों तरफ फैली हुई थी, क्लीन एयर, और उस साफ हवा को वो थोड़ा सा धूल से भरी हुई बना रही थी। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो वाइल्डरनेस था, जो रॉकी वाइल्डरनेस था, यानी कि जहाँ पर हल्की हल्की जो ईंटें चट्टानें सी थी, अब वो धीरे धीरे पहाड़ी में कन्वर्ट होने लगी, अब वो धीरे धीरे पहाड़ी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होने लगी, अब वो पहाड़ी जो है नजर आने लगी। The hills started to push up once more, जो पहाड़ियाँ हैं उन्होंने अब हमें एक बार फिर और आगे की ओर धकेलना शुरू किया, from the rocky wilderness, वो चट्टानी जो जंगली सा क्षेत्र था वहाँ से अब हम आगे पहुँचे, we passed solitary drokbas tending their flocks, अब हमने वहाँ पे क्या देखा कि जैसे वहाँ थोड़ा और आगे बढ़े, हमने वहाँ पे द्रोकबाज को देखा, मैंने पहले भी कहा था द्रोकबा किसको कहते हैं, स्थानीय निवासियों को कहा जाता है, कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे द्रोकबा, उनको वहां पर देखा, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने जो झुंड हैं किसके, भेड़ों के, उनकी वो देखभाल वहां पर कर रहे थे, हमने उनको देखा, समटाइम्स मैन समटाइम्स वीमेन, कई बार आदमी कई बार महिलाएं, दीज वर वेल रैप्ड फिगर्स, ये पूरी तरह से कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियां, वुड पोज, वो कभी रुक जाते हमें देखते, एंड स्टेयर एट आर कार, और वो हमारी कार की तरफ घूरते कि अरे ये कौन है, Occasionally waving as we passed, कई बार तो वो क्या है हाथ हिलाते, as we passed, जैसे ही हम उनके पास में से गुजरते, when the track took us close to their animals, उसके बाद में रास्ता जैसे ही हमें उनके जानवरों के नजदीक लेकर के गया, हम जैसे ही वो रास्ता, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, कि जैसे ही वो रास्ता जो है वो वहां पे उनके नजदीक पहुंचा, जानवरों के उनके नज़दीक पहुंचा, तो हमने क्या देखा कि वो जो जानवर हैं वो एकदम से ज़्यादा जो है वो उन्होंने रिएक्शंस देना शुरू कर दिया, व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज, वो रास्ता हमें नज़दीक लेकर के गया, टू देयर एनिमल्स, उनके जानवरों के, द शिप वुड टेक इवेसिव एक्शन, कि जो भेड़ें थी उन्होंने एक बहुत ही तेज एक्शन, क्विक एक्शन जो है वो उन्होंने वहां पर लिया, वीरिंग अवे, वो दौड़ करके दूर चली गई, From the speeding vehicle, हमारी वो जो तेज गति से बढ़ने वाला जो व्हीकल था, जो हमारा कार थी, उससे वो और ज़्यादा आगे की ओर निकल गई, अर्थात वो हमें हमसे दूर भाग गई। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा समझने के लिए है, पूरी कहानी की तरह नहीं है, ये आगे जाकर के थोड़ा इजी होगा, थोड़ा शुरू में थोड़ा सा हार्ड है, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी समस्या होगी मैं उसका अवश्य ही समाधान करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।